Welcome back to our channel again, Cyberbug Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक जोशी. तो आज हम बात करने वाले हैं द हार्वेस्टर टूल के बारे में. वैसे देखा जाए तो मैंने आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल बताए हैं. अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप जा करके चेकआउट कर सकते हो. अब यहाँ पे जो टूल है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का है और इनबिल्ट टूल है लिनक्स के लिए, द हार्वेस्टर. ओके, इससे आप काफ़ी सारे सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सूडो SU से एक्सेस ले लेता हूँ. आपको पूरी चीज़ें बताऊँगा मैं. तो पासवर्ड एंटर करता हूँ मैं, रूट, हिट एंटर. अब देखो द हार्वेस्टर आपको यहाँ पर टाइप करना है. H हमेशा आपका कैपिटल रहेगा. ओके, द हार्वेस्टर -- हेल्प, हेल्प कमांड कर लेनी है. एंटर. अब देखो, अब यहाँ पे आपको कई सारे सोर्सेज दिख रहे होंगे, ठीक है. बेडू, बिंग, ये सारे सोर्सेज का हम लोग यूज़ करके इंफॉर्मेशन को गैदर करने वाले हैं. ओके, ये सारे सोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो. एंड -D आपको यूज़ करना है डोमेन के लिए. और बाकी कई सारे यहाँ पे स्विचेस अवेलेबल है, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, ठीक है. अब देखो, अब यहाँ पे मैं कोई भी एक टारगेट ले लेता हूँ, ठीक है, और उसका यूज़ करके मैं आपको चीज़ें बताता हूँ. ओके, अब यहाँ पे मैं सारे सोर्स को लेकर के इन्फॉर्मेशन गैदर करने वाला हूँ. द हार्वेस्टर -D कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट के लिए. ओके, तो यहाँ पे कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ. ओके, तो microsoft.com -B. अब यहाँ पे देखो, सोर्स मैं लेता हूँ गूगल से, ठीक है. अब गूगल के सर्च इंजन में जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है microsoft.com से रिलेटेड, तो ये क्या करता है, ये ईमेल्स, सब डोमेन्स, IP एड्रेसेस, ये सारे के सारे मुझे क्रॉल करके देता है. ओके, तो यहाँ पे सिंपल मैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहा हूँ, इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले ही यहाँ पे आपको बता देता हूँ. ओके, तो मेरे चैनल पे कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होती है, जो भी रहेगा आपका एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही रहेगा, ठीक है. अब देखो, अब यहाँ पे गूगल के लिए ये सर्च कर रहा है, तो थोड़ा सा हमें वेट कर लेना है जब तक कि आपको ये रिज़ल्ट निकाल के नहीं दे देता. अब देखो, इसने यहाँ पे टोटल 11 होस्ट मुझे निकाल के दिए हैं विथ IP एड्रेस. ओके, तो यहाँ पे मुझे टोटल इसने 11 होस्ट निकाल के दिए सब डोमेन्स विथ IP एड्रेस. तो ये हो गया आपके गूगल के सोर्स से. ओके, तो ये सब डोमेन्स भी बहुत काम आते हैं जब हम लोग पेन टेस्टिंग करते हैं, ठीक है. हमें सब डोमेन्स को भी टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ microsoft.com अगर वल्नरेबल है तो बाकी के सब डोमेन वल्नरेबल नहीं होंगे, बाकी के सब डोमेन्स भी वल्नरेबल होते हैं. तो हमेशा पेन टेस्टिंग में आपका अटैकिंग एरिया आपको बढ़ाना है. अब यहाँ पे सोर्स चेंज कर रहा हूँ मैं, याहू कर देता हूँ, एंटर, ठीक है. देखो, अब याहू में मुझे कुछ नहीं मिला, बिंग करता हूँ. ओके, यहाँ पे काफ़ी सारे सोर्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है. आप चाहो तो कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पे मैं बिंग कर लेता हूँ, बिंग, हिट एंटर. अब देखते हैं बिंग से क्या मिलता है, ठीक है. इसका मतलब ये नहीं है कि हर सोर्स से हमें सेम ही मिलेगा, हर एक सोर्स से अलग अलग मिलता है. यहाँ पे देखो 8 होस्ट मिले हैं, ठीक है. अब सोर्स चेंज कर देता हूँ वापस से मैं, लिंक्डइन. अब लिंक्डइन में जितने भी एम्प्लॉयज़ माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स बने हैं, वो सारे के सारे अकाउंट्स मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है, विथ नेम और डिजिग्नेशन. ओके, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, ताकि मैं इन्फॉर्मेशन निकाल सकूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट में जॉब चाहिए तो मैं वहाँ के पर्सन से कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ लिंक्डइन से, ठीक है. तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी. तो एक बार सर्च होने देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है. ये देखो, आ गया रिज़ल्ट अपने सामने. ओके, रिज़ल्ट आ गया, तो सबसे ऊपर चले जाता हूँ मैं. सारा का सारे एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स हमें निकाल के दे दिए, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के नेम एंड डेजिग्नेशन. ओके, और कुछ निकाल के देता है, सिर्फ नेम और डेजिग्नेशंस. ओके, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे एरॉन कोरेल, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है. देन यहाँ पे भी एक और एरॉन है जो मॉडर्न वर्क स्पेशलिस्ट है, अभय नाम का बंदा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैनेजर एट माइक्रोसॉफ्ट. देन RD टेक्निकल प्रोग्रामर, ठीक है. जितने भी पीपल्स है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में, उतने सारे विथ डिजिग्नेशन. ओके, देन नेक्स्ट सोर्स देखते हैं. नेक्स्ट सोर्स -- हेल्प कर लिया मैंने, ठीक है.
अब देखो, अब यहाँ पे मैं ट्विटर उठा लेता हूँ, एंटर। अब देखो ट्विटर से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ठीक है, वापस से हेल्प कर रहा हूँ मैं। अब ट्विटर के अलावा यहाँ पे हंटर भी है, हंटर चेक करते हैं हंटर से क्या मिलता है। हंटर में भी कुछ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हंटर में कुछ नहीं मिला तो काफ़ी सारे सोर्स, हर एक करके आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब हंटर के बाद हम लोग कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। सोर्स तो काफ़ी सारे हैं, डिपेंड करता है आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, ठीक है। तो हंटर हो गया, हंटर के बाद सब लिस्टर देख लेते हैं। तो अब देखो, अब ये सर्च हो रहा है तो ठीक है, यहाँ पे भी हमें कुछ खास नहीं मिलता है सब लिस्टर पे, ओके। तो देखो इस प्रकार से ही जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर होता है, ठीक है। काफ़ी सारे यहाँ पे चीज़ें हैं, ओके, काफ़ी सारे सोर्सेस हैं, एक एक करके आपको जो है वो चेक करना पड़ता है, ओके, कि कहाँ कहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, द हार्वेस्टर का जो वर्जन है वो 4.0.2 है, ठीक है। किसने ये कोड लिखा है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसका ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे आपको मिलता है। और ये जो टूल है ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए ही इस्तेमाल होता है, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टूल है ये, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सारे सोर्सेस है, आप अच्छे तरीके से जो है वो टेस्टिंग कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना साइबर पक्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में।